Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, बहुत important और latest updates के साथ आपके साथ हाजिर हैं और बहुत important खबरें share करनी हैं. सबसे पहले आपको कुछ exams 2021 के हवाले से कुछ news देनी है. साथ ही साथ ई कचहरी और एक meeting conduct की गई, उसमें क्या questioning की गई और उसके क्या answers दिए गए आपके एग्जाम्स के हवाले से, वो आपको बताऊंगी, जिसके बाद आपकी तमाम कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी. तमाम चीजें जो आपके माइंड में हैं उनको क्लियर करने के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाई गई है. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एग्जाम्स 2021 की. जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम बोर्ड्स की तरफ से नोटिफिकेशंस इशू किए जा चुके हैं. अक्सर बोर्ड्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट शीट भी इशू कर दी है. चंद एक बोर्ड्स रह गए हैं, वो भी इन्हीं एक दो दिनों में डेट शीट अपलोड हो जाएगी. साथ ही साथ अगर बात करें हम रोल नंबर स्लिप्स की, तो रेगुलर स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप्स उनके स्कूल्स कॉलेजेस में रिस्पेक्टिवली आ जाएगी. और साथ ही साथ जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनकी अक्सर की रोल नंबर स्लिप्स इशू कर दी गई हैं, अक्सर बोर्ड्स की. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिवली फॉर ऑल बोर्ड्स ना, वेदर आप पंजाब बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, सिंध बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, केपी के बोर्ड है, मर्दान बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए ये वीडियो इक्वली ही इंपॉर्टेंस रखती है. सो डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं एग्जाम्स 2021 के हवाले से. बहुत ज्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को क्रिएट की जा रही है कि शायद दोबारा से कोई मीटिंग कंडक्ट होगी और उस मीटिंग में एग्जाम्स के हवाले से फैसला होगा. तो देखो बच्चे, आप लोग ना समझते नहीं हो. आप लोग सिर्फ इस चीज को समझो कि बोर्ड्स ने अपनी रोल नंबर सिर्फ भी इशू कर दी है. इस मोमेंट पे अब आप लोगों का ये इम्तिहानात के हवाले से कोई भी फैसला तब्दील होने वाला नहीं है. आप लोगों ने सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है. बाकी जहां तक बात आपके पेपर पैटर्न की है, इसके हवाले से भी आप लोगों को अब तक कंफ्यूजन है. आपको हो क्या गया स्टूडेंट्स, आप लोग क्यों इतने ज्यादा इन चीजों को लेकर कंफ्यूज हुए हैं? सिंपल तरीका आपको बताया है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, सीधा सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की और उधर जाके सैंपल मॉडल पेपर या पेपर पैटर्न चेक कर ले. क्यों इतनी टेंशन में? इतने ज्यादा कमेंट्स थ्रू आउट द डे रिसीव होते हैं जिसमें आप लोगों की कंफ्यूजन्स होती हैं, जिसमें आप लोग पेपर पैटर्न के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से स्टिल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. सो इट्स वेरी अनबिलीवेबल कि आप लोग इस वक्त जो आपका ये जो 15 दिन है ना, ये 15 दिन आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि जिसकी कोई हद नहीं. आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें पढ़ाई पे फोकस करना है, इसके अलावा किसी र्यूमर पे, किसी फेक न्यूज पे आपने ध्यान नहीं देना. मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया, इट्स नॉट अबाउट व्यूज, वी आर रनिंग एन एजुकेशनल चैनल और इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर. और AHA असिस्टेंट्स इज नॉट अ यूट्यूबर, ये AHA असिस्टेंट्स यानी आई, ठीक है, आई एम बिहाइंड AHA असिस्टेंट्स. सो आई एम अ टीचर एंड नॉट अ यूट्यूबर, ठीक है. तो इसलिए मैं कभी भी फॉर व्यूज आप लोगों को गलत न्यूज प्रोवाइड नहीं करूंगी, कभी भी मैं आप लोगों को गलत गाइड नहीं करूंगी, मिस गाइड नहीं करूंगी जस्ट फॉर माई व्यूज, ठीक है. हमेशा जो न्यूज होगी ऑथेंटिक होगी, रियल होगी और जिसमें आपका भला होगा. साथ ही साथ मेरे चैनल पे ना सिर्फ आपको एजुकेशनल न्यूज मिलेगी बल्कि तमाम गाइडलाइंस, तमाम पेपर के हवाले से अटेम्प्ट करना, MCQs के हवाले से इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ जो पेपरिंग स्कीम्स हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, तमाम चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी. और अब आपने खुद डिसाइड करना, यू पीपल आर बिग इनफ, यू पीपल आर बिग इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. तो इसलिए प्लीज फेक न्यूज पे ध्यान ना दें, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें बिना किसी और चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको कहा कि ई कचहरी के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि क्या फाइनल न्यूज है. तो अगेन उसमें क्वेश्चनिंग की गई एग्जाम्स के हवाले से ही और उसमें यही रिप्लाईज आए कि जो आपके एग्जाम्स में स्मार्ट सिलेबस है वही फॉलो होगा, पेपर पैटर्न आपका सेट है जो कि पिछले सालों में आपका पेपर पैटर्न था, सेम वही पेपर पैटर्न आपका फॉलो होगा, कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे सिवाय सिंध बोर्ड में जिसमें सैयद हनी साहब ने प्रॉपर नोटिफिकेशन इशू किया था पेपर पैटर्न के चेंजेस के हवाले से. स्टिल आप स्टूडेंट्स को कोई अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जस्ट अपने एग्जाम्स पे फोकस करें. नो प्रमोशन इज गोइंग टू बी विदाउट एग्जाम्स, प्रमोट होंगे और इंशाल्लाह 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 जरूर प्रमोट होंगे आप तमाम स्टूडेंट्स और बहुत अच्छे मार्क्स होंगे. और मेरी दुआ है कि सबके 80% एटलीस्ट मार्क्स आए, 80% प्लस, तो वाओ. सो इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि आपका पेपर इस बार इतना मुश्किल नहीं आने वाला, बस अपनी तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि
बोर्ड सेटर्स को पता है कि क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया, तो पेपर मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोग सारे अच्छे से प्रमोट होंगे, बस अपनी तैयारी जारी रखें, अपने एग्जाम्स पे फोकस रखें, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें। होप्स आपको तमाम इंफॉर्मेशन क्लियर होगी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ यू शुड बी रेडी एंड आई थिंक यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।